हम सभी कभी ना कभी अपनी हैबिट से परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या हो जब ऐसी ही हैबिट हमारी लाइफ को पूरी तरीके से तबाह कर दे। आज की मूवी एक्सप्लेनेशन में हम ऐसे ही चार लोगों की कहानी देखेंगे जो कि अपनी हैबिट को एडिक्शन में बदल देते हैं और उनकी वजह से उनकी लाइफ एक हेल बन जाती है। यह मूवी सन 2000 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो कि उस टाइम में ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हो चुकी थी और इस मूवी ने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। इस मूवी का IMDb स्कोर 8.4 है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मूवी कितनी फैंटास्टिक है। इस मूवी के सीन कुछ लोगों को मूवी देखने के बाद थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो चलिए और देरी न करते हुए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा लड़का जो अपनी माँ से बुरी तरीके से बात कर रहा होता है और उन्हें घर का सामान बेचने की धमकी देता है और इससे उसकी माँ डर कर उसे एक लॉकेट दे देती है। अब सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पर यह लड़का बड़ा हो चुका है और जिसका नाम हैरी है और यह अपने दोस्त टायरन के साथ मिलकर अपनी माँ के घर से टीवी उठाकर ले जाता है ताकि उसे बेचकर वह अपने ड्रग्स और कोकेन के लिए पैसे जमा कर सके। इससे हम यह समझ सकते हैं कि यह दोनों दोस्त हैरी और टायसन एक ड्रग एडिक्ट हैं जो हमेशा अपनी माँ का टीवी बेचकर ड्रग्स के लिए पैसे जमा करते हैं। इसके बाद हैरी की माँ सारा जो कि एक विडो है उसी दुकान पे जाती है और अपना टीवी वापस उस दुकानदार से मांगती है। इस पर दुकान वाला उसे कहता है कि वह अपने बेटे को ड्रग्स की आदत के लिए पुलिस को क्यों नहीं सौंप देती है, तो सारा उसे कहती है कि उसके पास हैरी के अलावा कोई भी नहीं है। अब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है कि हैरी की माँ सारा वह भी एक एडिक्शन की शिकार होती है और वह यह होता है कि उसे टीवी पर एक शो जिसे कि टैपी नाम का आदमी होस्ट करता है उसे देखने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। और एक दिन जब वह ऐसा ही शो देख रही होती है तो उसे एक आदमी का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि उसे टैपी के शो के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और इसके लिए उसे बस अपनी पूरी डिटेल भेजनी है। यह सुनकर सारा बहुत ही खुश हो जाती है और वह टीवी शो पर अपने आप को देखने के सपने में खो जाती है। वह डिसाइड करती है कि वह उस टीवी शो के लिए एक रेड ड्रेस पहनेगी और वह अपनी फ्रेंड जो कि पास के ही घर में रहती है उसे इस टीवी शो की बात बताने के लिए जाती है और वह उसे रेड ड्रेस पहनकर दिखाती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यह ड्रेस उसे फिट नहीं हो रहा होता क्योंकि वह ओवरवेट हो चुकी होती है। तब उसकी फ्रेंड उसे एक डाइट की बुक देती है जिससे वो अपना वजन कम कर सके, लेकिन एक दो दिन डाइट पर रहने के बाद वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह बार बार अपने फ्रिज की तरफ देखने लगती है क्योंकि बुक में बताई हुई डाइट से उसकी भूख नहीं मिटती। इसीलिए बार बार वह फ्रिज की तरफ खाने के सामान की तरफ लालच से, और जब वह इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो वह अपनी फ्रेंड को कॉल करके उस डॉक्टर का नंबर मांगती है और डॉक्टर से यह कहती है कि उसे लगभग 20 किलो वजन कम करना है जिससे कि वह उस ड्रेस को पहन सके। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उसे कुछ टैबलेट खाने को देते हैं और कहते हैं कि यह टैबलेट तुम्हें खाने के साथ खानी है। अब आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैरी और टायरन एक प्लान बनाते हैं जिसमें वह सोचते हैं कि वह कोकेन को बेचकर उससे बहुत सारा पैसा कमाएंगे और उस पैसे से वह लोग कोई लीगल बिजनेस खोलेंगे। फिर हम देखते हैं कि हैरी की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मैरिसन, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती है और उसका इलाज एक साइकेट्रिस्ट कर रहा होता है जिसका नाम आर्नोल्ड होता है। यहाँ हम देखते हैं कि हैरी, टायरन और मैरिसन ये तीनों ड्रग एडिक्ट हैं और साथ में मिलकर कोकेन और अलग अलग तरीके के ड्रग्स लेते हैं। फिर आगे के सीन में हैरी मैरिसन से बात कर यह कहता है कि वह जब पैसे कमा लेगा तब उसके लिए वह एक डिज़ाइनर शोरूम खोल देगा जिससे कि वह अर्निंग कर सके। फिर हम देखते हैं कि हैरी और टायरन मिलकर ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं और इससे उनके पास काफ़ी सारा पैसा आने लगता है। इस पैसों को वह एक डब्बे में जमा कर रखने लगते हैं और जब इनके पास काफ़ी सारा पैसा हो जाता है तब इनकी लाइफ अच्छी चलने लगती है और इन्हीं पैसों से हैरी अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा टीवी गिफ्ट करता है। अब जैसे जैसे थोड़ा टाइम और बीतता है हम देखते हैं कि जो पैसा इन्होंने जमा कर रखा होता है वह धीरे धीरे खर्च होना चालू हो जाता है और इसी बीच में हम यह भी देखते हैं कि एक दिन जब ये लोग ड्रग्स की डील कर रहे होते हैं उसी दौरान टायरन को पुलिस पकड़ लेती है और वह जेल में बंद हो जाता है और उसे जेल से छुड़ाने के लिए हैरी को काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। अब ये सब इंसिडेंट होने के बाद हैरी अपनी माँ सारा के पास जाता है
और वहां पर जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ कुछ दवाइयाँ ले रही हैं जिसका उन्हें भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वह उनसे इन दवाइयों को लेने को मना करता है क्योंकि उसे पता होता है कि यह दवाइयाँ एक तरीके का एडिक्शन पैदा कर सकती हैं। लेकिन सारा उसे कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा। वह अपना वेट कम कर कर उस शो पे जाना चाहती है जिससे कि वह हैरी और उसके पापा के बारे में उस शो पे बताएगी और जिससे उनकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी क्योंकि लोग उसे जानना शुरू कर देंगे और वह पूरी कंट्री में फेमस हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी वहाँ से चला जाता है और वह अपनी माँ की कंडीशन को देखकर रोने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि जो पैसा इन तीनों ने जमा कर रखा होता है वह ख़त्म हो जाता है। अब इनके पास इतने भी पैसे नहीं बचते कि जिससे ये लोग ड्रग्स खरीदें और उस ड्रग्स को बेच सकें। इस पर हैरी अपनी गर्लफ्रेंड मैरिसन से कहता है कि वह अपने साइकेट्रिस्ट आर्नोल्ड के साथ फिजिकल हो जाए जिससे कि वह उसे $2,000 की डिमांड करे। इस पर वह उसे समझाता है कि बस उसे ऐसा एक बार करना है और उसके बाद जब इन लोगों के पास ड्रग्स आ जाएगा तो वह उससे फिर से पैसा कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन मैरिसन इसके लिए मना करती है और हैरी के कई बार समझाने के बाद वह इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैरिसन आर्नोल्ड के पास जाती है और वह ना चाहते हुए भी उसके साथ फिजिकल होती है जिसके बाद आर्नोल्ड उसे $2,000 देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह इन पैसों को लाकर हैरी को दे देती है और हैरी इन पैसों को लेकर टायरन के साथ ड्रग्स खरीदने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग ड्रग्स खरीदने के लिए जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इसी भीड़ में कुछ लोगों के बीच में हाथापाई हो जाती है और वह लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और इसी सब चीज़ के दौरान आसपास गोलियाँ चलने लग जाती हैं जिनसे कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इन लोगों को वह ड्रग्स नहीं मिल पाते और इन्हें बिना ड्रग्स लेकर ही वहाँ से जाना पड़ता है। अब हम सीन देखते हैं कि यहाँ पर सारा अपना वेट काफ़ी जल्दी लूज़ कर रही है। वह काफ़ी टाइम से इन दवाइयों को खा रही थी और इससे उसका वेट तो कम होने लगा था लेकिन साथ ही अब उसे इन दवाइयों का एडिक्शन भी होने लगा था और इसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। अब वह डॉक्टर के पास न जाकर खुद ही इन दवाइयों की और ज़्यादा डोजेस लेने लग जाती है जिससे उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है और वह यह हेलुसिनेट करने लगती है कि मानो वह उस टीवी शो पर पहुंच गई है और टीवी का होस्ट उसके बारे में पूछ रहा है, लेकिन यह सारी चीज़ें उसके सिर्फ दिमाग में चल रही होती हैं और वाकई में अभी वह घर में ही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मैरिसन को यह बात पता लगती है कि हैरी को कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है तो वह इस चीज़ से बहुत ही परेशान हो जाती है और हैरी और मैरिसन के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। इसके बाद हैरी उससे कहता है कि वह एक और डीलर जिसका नाम टिम होता है वह उससे वह ड्रग्स लेगा, लेकिन टिम एक अय्याश तरीके का इंसान होता है और हैरी टिम को फ़ोन लगाता है जिस पर कि टिम उसे ड्रग्स देने के बदले में किसी लड़की की डिमांड करता है। फिर हम देखते हैं कि हैरी फ़ोन काट देता है। अब यहाँ पर हैरी और टायरन ये डिसाइड करते हैं कि वह ड्रग्स को लेने के लिए फ्लोरिडा जाएंगे जो कि उनकी जगह से काफ़ी दूर होता है और ये लोग बैठकर फ्लोरिडा के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैरिसन की हालत ख़राब होने लगी है क्योंकि उसे ड्रग्स नहीं मिल रहा होता और वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और इन्हीं सब चीज़ के बीच में वह इतना परेशान हो जाती है कि वह डिसाइड करती है कि वह खुद ही टिम के पास जाएगी और वह टिम को फ़ोन लगाने का सोचती है। वह पहली बार तो उसे फ़ोन लगाकर काट देती है लेकिन वह दोबारा उसे फ़ोन करती है और उसका एड्रेस पूछ लेती है। अब यहाँ पर वह घबराते हुए टिम के घर पर पहुँच जाती है और यहाँ पर उसके घर पे जाने के बाद वह उसके साथ फिजिकल होती है। टिम उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे उसके घर पर होने वाली एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैरी और टायरन फ्लोरिडा आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर हैरी के हाथ में एक घाव बनने लगा है। यह घाव उसे लगातार ड्रग्स का इंजेक्शन लेने की वजह से बना होता है और यह दिन पे दिन बहुत ही ख़राब होता जाता है जिसकी वजह से उसका पूरा हाथ काला पड़ने लगता है। और हम देखते हैं कि टायरन उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। फिर दोनों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहां पर डॉक्टर उसे देखकर यह समझ जाता है कि यह एक ड्रग एडिक्ट है और वह उसे हॉस्पिटल में ही रुकने के लिए बोलता है। इसी बीच वह पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस टायरन और हैरी को पकड़ कर जेल में ले जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा के पास अभी तक टीवी शो के लिए कोई भी इनविटेशन नहीं आया है और वह अपने हेलुसिनेशन में बहुत ज़्यादा खो जाती है और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि अब उसे अपना फ्रिज चलता हुआ दिखाई देने लगता है और वह जैसे ही बैठी होती है
वैसे ही उसे हेलुसिनेशन होने लगता है कि मानो उसका फ्रिज उसके पास आ रहा है। और सारा इस चीज से डर कर अपने अपार्टमेंट से चली जाती है। और बाहर जाने पर हम देखते हैं कि बाहर बर्फ पड़ रही होती है, लेकिन सारा यहाँ पर अपनी होशो आवास में नहीं होती और वह ऐसे ही ट्रेन में घूमने लग जाती है और लोगों से कहती है कि वह एक टीवी शो में आने वाली है और वह जल्दी ही स्टार बन जाएगी। उसकी इस कंडीशन को देखकर कुछ लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं, जहां पर डॉक्टर सारा को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट देकर सही करने की कोशिश करते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि हैरी के हाथ में जो घाव था वह बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है और वह उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जेल के अंदर ही वह चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उसको जेल से निकालकर हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर टायरन से जेल के लोग काम करवाते हैं, जिससे कि टायरन को भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होने लगता है और वह अपने फ्रेंड हैरी की कंडीशन को देखकर रोने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में हैरी मैरिसन को फोन करता है और उसे बताता है कि वह जल्दी उसके पास आएगा और वह कहता है कि वह उसे छोड़कर ना जाए। इस पर मैरिसन कहती है कि क्या वह आज ही उसके पास आ सकता है। इस पर हैरी रोने लग जाता है और हम देखते हैं कि इसी के बीच में वह दोनों फोन पर बात करना बंद कर देते हैं। अब मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारा पर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था उसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और अब डॉक्टर कोई सॉल्यूशन ना निकलते हुए उसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी देने का सोचते हैं, जिससे कि शायद उसकी हालात में सुधार हो सके। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैरिसन टिम की पार्टी में पहुंच चुकी है, जहां पर कई सारे गैंग के लोग आए हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जिस पार्टी में मैरिसन को बुलाया गया है वह एक सेक्सुअल पार्टी है और यहां पर गैंग के मेंबर और टिम उसे अलग अलग तरीके से सेक्सुअल एक्ट करने के लिए कहते हैं। और इसी के साथ अब हमें मूवी के तीन सीन एक साथ दिखाई जाते हैं। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहां पर सारा को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, जिससे कि उसकी हालत और सुधर नहीं रही है और हॉस्पिटल में हैरी के हाथ को काट दिया जाता है। और इसी के साथ इस सीन में हमें एरन को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो चुका होता है और चुपचाप बेड पे जाकर लेट जाता है। और हम देखते हैं कि मैरिसन अब टिम की पार्टी से घर पे आ चुकी होती है। यहाँ पे टिम उसे बहुत ज्यादा पैसे देता है, लेकिन मैरिसन इस चीज से बिल्कुल भी दुखी नहीं होती और हम देखते हैं कि यहाँ पे मैरिसन पैसे मिलने से बहुत ज्यादा खुश है और वह अपने घर पर पैसों के साथ सोफे पर सो जाती है। और अब मूवी के सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन चारों लोगों की लाइफ एडिक्शन की वजह से किस तरीके से खराब हो चुकी है। चारों अपनी अलग अलग कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारा हेलुसिनेट कर रही है कि उसे टैपी के शो में प्राइस मिला है और वह उसी रेड ड्रेस को पहने हुए है। और यहाँ पर हैरी यह ड्रीम कर रहा है कि वह और मैरिसन एक बड़ा बिजनेस खोलने में कामयाब हो गए हैं। और इसी के साथ मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसके विजुअल्स और एक्टिंग को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है और यहाँ में दिखाया गया है कि अगर कैसे इंसान अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं करता तो वही चीज़ उसके लिए एडिक्शन बन जाती है और यह एंड में जाकर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ऐसे ही आने वाली मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।